प्रशासन ढीला है, बिल्कुल ढीला है। गंदगी है, जगह जगह गंदगी रखी है रेवाड़ी में, कहीं भी जगह चले जाओ। ये तो परमानेंट ही लग रही है, इतनी महंगी दुकानें रखी देखी लोगों ने रखी, कोई सुविधा नहीं है किसी भी तरह की। देखिए, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान पर जोर दे रहे हैं और यहाँ पर जो रेवाड़ी है और खासतौर पर जो हमारी गुड्डा परिषद है उसको स्वच्छता के नाम से कोई लेना देना है ही नहीं। देखिए, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान पर जोर दे रहे हैं और यहाँ पर जो रेवाड़ी है और खासतौर पर जो हमारी गुड्डा परिषद है उसको स्वच्छता के नाम से कोई लेना देना है ही नहीं। कितनी बार यहाँ पर कंप्लेंट भी कर ली गई हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। लोग आते हैं अपनी किसी के गोलगप्पे वाले की रेहड़ी है, चाट पत्ते के पत्ते डाल जाते हैं, किसी घर में प्रोग्राम होता है वो कूड़े की रेहड़ी सूढ़े यहाँ उठा के डाल देता है। लोग लैट्रिन बाथरूम तक के लिए कई बार यहाँ पर बैठे होते हैं, कोई सुविधाएं नहीं है। गायें भैंस आज गायें यहाँ पर आकर के बैठ जाती हैं दीवारों पर और गोबर कर जाती है, कोई सुनने देखने वाला नहीं है। पानी की व्यवस्था है ही नहीं, लाइट की तो पिछले 6 साल से मैं बैठा, मैंने आज तक लाइट का एक बल्ब लगा हुआ नहीं देखा इस मार्केट के अंदर। कहने को बड़ी पॉश मार्केट और मॉल के सामने ये जगह है, मेन जगह है, शहर के सर्कुलर रोड से लगती हुई जगह है, उसके बावजूद भी यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। पहले कभी बीच में कंप्लेंट की थी तो हफ्ते में एक दिन आकर के शनिवार के शनिवार यहाँ झाड़ू लग जाया करती थी, अब तो 3 साल से वो नज़ारा भी देखने को नहीं मिलता। JCB वगैरह आती है, अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करती है। अब लोगों ने यहाँ पर क्या जिसके मकान बन रहे हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन का सामान जो टूट फूट होती है वो सब यहाँ डाल जाते हैं। सर्कुलर ये अपना गली मोहल्ले में जो रोड टूट रही है, सीमेंटेड रोड बना रहे हैं और जो टाइलों वाला रोड हटा रहे हैं वो आप देखोगे तो वहाँ इतना बड़ा ढेर लगा पड़ा जैसे पहाड़ बना दिएगा। जब वहाँ उसको आदमी अपनी दुकान बनाएगा तो आधा खर्चा तो उसको सामान को हटाने में ही लग जाएगा, इतने मोटे मोटे पत्थर यहाँ पटक रखे हैं। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी यहाँ पर कार्रवाई हो नहीं पा रही किसी प्रकार की, हुड्डा की तरफ से कोई सुनवाई नहीं। ये सेक्टर 5 में बैठे और इन दोनों ने दुकान खोल रखे, 200 रुपये महीना हर दूसरे तीसरे दिन ये देते हैं और JCB से उठवाते हैं। अच्छा। और मैं कापड़ीवास के पास गई थी और उन्होंने बोला ये हमारा काम नहीं है, ये हुड्डा का, उन्होंने ये बोला मेरे से। प्रशासन के बारे में क्या कहना चाहते हो? प्रशासन ढीला है, बिल्कुल ढीला है। गंदगी है, जगह जगह गंदगी रखी है रेवाड़ी में, कहीं भी जगह चले जाओ। हमारे पंजाब मुक्ति हवेली के पीछे देख लो, खड़े होने की जगह नहीं है वहाँ। ढेरी गंदगी लगी हुई है सेक्टर 5 के मार्केट भाई, ये तो परमानेंट ही लग रही है। इतनी महंगी दुकानें ले रखी देखी लोगों ने ले रखी, कोई सुविधा नहीं है किसी भी तरह की। आपने इसकी शिकायत कूड़े के लिए कहीं प्रशासन में करी हो? तो करी नहीं है, फायदा भी ना लगता कहीं करने। क्यों नहीं लगता फायदा शिकायत करने का? पहले इन्होंने करी थी डिवाइन वालों ने एक दो दफा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। लोग यहीं पे डालते हैं जो भी कूड़ा वूड़ा डालते हैं, इससे बढ़िया जगह मेरे ख्याल में कहीं रेवाड़ी मिलती नहीं होती।